मम्मा का बाय बाय करके मैं किचन का मोए मोए करूंगी। सद्दा वाला मलीदा कर रही हो। तो मैश का मतलब क्या होता है? सबूता खाना। तब क्या हाल होगा मेरा? चाड़ा यार, मेरी कल शादी है, सब इनवाइटेड है। मेरी भी कल शादी है, सब इनवाइटेड है। वेलकम टू आवर फेसेस यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। आज मैंने सोचा कि मैं सबके लिए सहरी बनाऊं, क्योंकि मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया, तो मैंने कहा कि इस दफा मैं सहरी बनाऊंगी। और आज मैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में सहरी बनानी है। सब बोलेंगे कि अब से राबिया ही बनाया करेगी, इतनी अच्छी बनाऊंगी ना खुद अपने हाथों से। तो यार ये लड़कियां जो है ना सोने की तैयारियों में है, तो मैंने इनको आज सोने नहीं देना। मैंने कहना है कि आज सहरी करके ही तुम लोग सोओगे, क्योंकि आज राबिया शेफ आई है मैदान में। तो ये लड़कियां जो है ना इधर बैठी हुई है, ये बाबा जी बने हुए हैं, ये फूलों वाली परी बनी हुई है और मम्मा एज ऑलवेज परी बनी हुई है। तुम्हें पता है हम रोजा खोल के इस टाइम बैठ के गॉसिप करते हैं। हाँ, ये इनका ना गॉसिप सेशन चल रहा है। माँ जी मेरी बात सुने, आज सहरी मैं बनाने वाली हूँ आप लोगों की मनपसंद डिशेस। मैंने मम्मा के हाथ का पराठा खाया। ये क्या बात हुई? मैंने तुम्हारे हाथ का खाया था ना अपनी दफा। मैंने एक दफा किचन में गई हूँ, मुझे पता चल गया। नहीं मैं बहुत इस दफा बहुत अच्छा। मम्मा सुबह मैंने पास्ता बनाया था। बात तो सुनो, तुझे मैंने परमिशन दी है रमजान में, तुझे रमजान सहरी बनाने की। मम्मा मैं खुद को रमजान में हर इंसान को हक है कुकिंग करने का, मेरे भी मिलेगा। मैं पता है सहरी के टाइम इतना थोड़ा टाइम होता है कि फटाफट पका खानी, तो तू तो चार पराठे जलाएगी पहले। नहीं मैं अभी स्टार्ट में पराठा नहीं। तुम क्या आया पूरी एस्ट्रोलॉजी को शेफ बनने का शौक चढ़ चढ़ा? यार ये बात नहीं है, मैं ऑलरेडी शेफ हूं। क्रॉस एस्ट्रोलॉजी कभी पराठा नहीं बना सकती, मैं मान ही नहीं सकती। आज मैं मम्मा को ना पराठा बना के दिखाऊंगी और सबके मुंह बंद कराऊंगी। अपने लिए बनाना पराठा भी नहीं यार, सवाल मेरे हाथ से खाएंगे। अगर ना मजे का लगा, अगर ना मजे का लगा मुझे मारना सब। की तो क्या बात है, डाल लेना। हाँ पराठे ठीक होने चाहिए। ठीक है डन। और गाइस तो मैं जा रही हूँ सहरी बनाने के लिए, कोई भी सोया तो मैं सबकी पिटाई कर दूंगी। हाँ कोई नहीं सोएगा, लेकिन मैं साथ ही आऊंगी। नहीं आप अलाउ ही नहीं है किचन में मम्मा, आपका बाय बाय हो गया आज। ठीक है, अफ्तारी बैठ के खाई है तो आज मैं सहरी बैठ के खाऊंगी। मम्मा का बाय बाय करके मैं किचन का मोए मोए करूंगी। अच्छी बनी तो यकीन करो डेली तुम्हें बनानी। चलो नहीं ये नहीं कह रही, बस एक दिन ही। सो गाइस आज मैं सबसे डिफरेंट ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। ना तो वो होगा ईस्टर्न, ना तो होगा वेस्टर्न, वो होगा ओरियो का कोई ब्रेकफास्ट। मम्मा मुझे घूर घूर के देख रही है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। चुपके आप लोग बता दो, आज मैं इतना डिफरेंट बनाऊंगी कि सारे बेहोश हो जाएंगे खा के। सहरी में आज क्या चाहिए जो बोलोगी वो बनाऊंगी। तुम्हें चूरी खानी है? नहीं तो चूरी नहीं, वैसे कुछ डिफरेंट बनाओ जो आज तक नहीं जो आज तक कभी किसी ने नहीं खाया वो बताओ। डंडे नहीं पापा सही तो ना यार, जैसे कि ओरियो डिजर्ट, प्लीज रोजा रखना मजाक नहीं कर रही। जैसे कि फ्रेंच टोस्ट और पैनकेक, इस टाइप का बताओ ना। मैं खा के मैं आधा घंटा भूख लगी हूं। देसी खाने आज आप पराठा साथ, लेकिन एक स्वीट डिश भी बनाऊंगी मैं। ठीक है चलो ठीक है, पराठा खाना है। स्वीट डिशेज बना लेना, दही लेना। हाँ। और उसमें चीनी डाल के दे। अच्छा क्रीम हांडी खानी है किसी ने? क्रीम हांडी खानी है, उसके क्रीम डाल के उसको मिक्स करके पराठे के साथ खानी है। मम्मा ने जो बनाई मैं नहीं बनाने दे रही, मैं नहीं बनाई। नहीं चलो ठीक है, मुझे समझ आ गई है। लड़कियां हमारी बच्चियां देसी मुर्गी है, इनको देसी फूड ही चाहिए, लेकिन एक तो मैं वेस्टर्न बनाऊंगी। सो गाइस ये मैंने डिशेज लिखी है, ओरियो डिजर्ट, क्रीमी शेक, फ्रेंच टोस्ट, पराठे, फ्रिज में पड़ा हुआ कोरमा एंड फ्रूट्स। ये हमारा आज का मेन्यू है। तो हम सबसे पहले बनाने लगे हैं ओरियो डिजर्ट, ठीक है, क्योंकि उसको ठंडा होने में टाइम लगना है। तो ओरियो डिजर्ट पता है मैंने किस तरह से बनाना है, फुल हैक के तरीके से। हमारे पास फ्रिज में एक बचा हुआ केक पड़ा हुआ था, इनको ना मस्त पता, हमारे फ्रिज में एक बचा हुआ केक पड़ा हुआ था, ठीक है, इसको कुछ ना कुछ करके हम जो है ना डिजर्ट बनाएंगे। सो गाइस मैंने एक लेयर यहाँ पे डाल दी है केक की, अब इसके ऊपर हम डालेंगे क्रीम, ऊपर फिर से केक, ऊपर मैंने थोड़ा सा ओरियो डाल दिया है। अब ना ये वाला भी एक केक था जो मैंने कल काटा था, इसका भी थोड़ा सा पार्ट हम इसके अंदर डालेंगे और पता नहीं क्या बन रहा है, बट मजे का बनेगा, बाद में देखेंगे। सो गाइस मुझे यकीन नहीं आ रहा इतनी प्यारी डिश मैंने बनाई है। तो ये हमारा डिजर्ट बन चुका है, अब पता नहीं ये टेस्ट में कैसा होगा। सो गाइस हमने जो डिजर्ट है वो फ्रिज में रख दिया है, अब आइए फातिमा मेरी हेल्प करने के लिए। फातिमा अब मेरी अगली डिश का नाम है मैश पोटैटो, मैंने मैश पोटैटो बनाने खाने हैं तो मैं मजे का बनेंगे। नहीं लगता अभी अच्छे बनेंगे? नहीं बहुत अच्छे बनेंगे, विद चीज विद पोटैटो बहुत मजे का बनेगा। सहरी के लिए अच्छा थोड़ा ऐसी चीजें इफ्तारी में अच्छी लगती हैं। मैं तो अपनी एक डिश दिखाऊं पहले, तो वो देख के बेहोश हो जाओगी। ये है ओरियो डिजर्ट और ये बहुत मजे का है। ये सब इफ्तारी के बाद खाते हैं, ये ऐसे डिजर्ट अब सहरी में नहीं खाते। फातिमा मैं डिफरेंट बना रही हूँ इस दफा, मेरा डिफरेंट रेसिपी है। पराठे लस्सियां में सब बनेगा, सब बनेगा, लेकिन ये लूचना पूछना मेरे मजे के लिए, तुम हम बच्ची है ना इसीलिए।
जूते हैं। अभी मेरे साथ ये हेल्प करो इसको बनाने में, हम इसको करेंगे यहाँ पे मैश। इससे और अंदर हम डालेंगे चीज। मैश पोटैटो लोग खाते हैं ना वैसे भी, इसमें ना डालो ना उसमें डालो यार, वो शीशे का है रहा। हाँ ठीक है, इसको मैश करके और साथ वो वाली चीज लाती हूँ, वो जो है एक हमने गाइस चीज भी रखी और क्रीम भी डालेंगे अंदर। फातिमा तुम उसको कुछ ज्यादा ही गंदा वाला मलीदा कर रही हो। तो मैश का मतलब क्या होता है, सबूता खाना? नहीं लग रहा उसको। ठीक है बस सही है, इतना काफी है, ज्यादा नहीं करना यार। ये तो क्रीम है रबिया, क्रीम भी डालिए, चीज ये है, ये है चीज, ये वाली ये डालेंगे अंदर। चलो यार हमारी जो ये पोटैटो है ये अंदर आ चुका है। बस तुम चमचा मारने आई हो अंदर, अब सारा तुम इधर मेरे से बनवा रही हो। लेकिन रेसिपी किसकी है ये? हां इसका तो नेट पे करोड़ रेसिपीज आ रही है भाई। पापा नेट ये मैंने वैसे नेट से ही रेसिपी देखी है। हां तो नेट से देख के क्रेडिट सारा खुद ले गई हो कि तुम्हारी इसमें ये क्रीम डाल। इसके अंदर ये दो डालें चीज या एक डालें? दो डाल बहुत है यार, सहरी में चीज खाने से आपको भूख कम लगती है, ये सच बात है। हां रबिया क्या हो गया, प्लीज अपनी फिलॉसफीज मत झाड़ो, प्लीज इसकी कोई बात को फॉलो करके आपने सहरी नहीं करनी। पता लगे आपने इसकी बातों को फॉलो किया और बाद में आपको पूरा रोजा लग रहा है, इसकी कोई बात आपने फॉलो नहीं करनी। सीरियसली चीज से भूख आपको कम लगती है, सबको पता है बात। फातिमा चीज ही डालेगी, दूसरी एक और डालू चीज? तो ये हो रही है जे आलू की, जे आलू की मिक्सिंग, जे आलू की मिक्सिंग हो रही है। ते और ये जे आलू जी मिक्सिंग ते असी अंदर होन पावंगे काली मिर्च और Black नमक, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। तो गाइस फाइनली हमारा जो मैश पोटैटो रेडी हो गया है बाय फातिमा, इसका चलो क्रेडिट हम फातिमा को दे देंगे कि फातिमा ने बनाया। ये मुझे ना अंडा मैश पोटैटो का अंडा ज्यादा लग रहा है। सो गाइस हमारा जो मैश पोटैटो रेडी है इसके ऊपर मैंने प्लेट देके रख दी है, इसकी जो डेकोरेशन है वो हम बाद में करेंगे। और फातिमा इधर पता नहीं क्यों चाय बना रही है, तो मैं चाय भी पीनी है इस दफा। तो इस दफा क्या सब बच्चे सहरी में पीते हैं, कहते हैं चाय से प्यास बहुत लगती है। नहीं सब लोग पीते हैं जो चाय के एडिक्टेड हैं, जाहिर है आप पी तब सकते हो जब आप सहरी रख रहे हो और जब इफ्तार कर रहे हो तब आप पीते हो। अब मैं एक ऐसी ड्रिंक बनाने लगी जिससे प्यास सबको बहुत कम लगे। मैं एक ऐसा डिजास्टर बनाने लगी जिससे सबको प्यास लगे। नहीं देखो मैंने अब तक कितनी अच्छी उस पानी में चावलों का पानी पिए आप लोग। गाइस आप सहरी में पिए चावलों का पानी, पूरा रोजा प्यास ना लगी तो पैसे वापस। बनाएंगे हम खजूरों का शेक, खजूरों का शेक। कभी भी आपने सहरी में चावल नहीं खाने, चावल से बहुत बहुत प्यास लगती है। ओके तो कल बनेगी बिरयानी सहरी में। सो गाइस अब जो हमारी अगली डिश है वो है फ्रेंच टोस्ट, वो बनाना स्टार्ट करूंगी, वो सबसे यम्मी बनाऊंगी। इस तरह इधर रखो तवा। हाँ, अंडा अंडा वो तो वहाँ पे मशीन है उसमें बन सकती है। तुम आप पागल हो, अंडा दूध तल मीठे स्लाइस, ये आए ना पेंडू प्रोडक्शन फ्रेंच टोस्ट को कहते हैं मीठे स्लाइस। जिनको नहीं समझ आ रही हम मीठे स्लाइस बनाने लगे हैं। तो यार यहाँ पे मैंने इतना गन डाल दिया पहले जो है ना सारी। एक बार मम्मा को पता लग गया ना इतना कबाड़ा कर रही हूँ। हेलो जी मम्मा, मम्मा जी कुछ भी नहीं कर रही, समाज सफाई कर रही हूँ मैं तो। आपका कोई काम नहीं, फादर मम्मा को भेजो यहाँ से। आप सो जाए जाके, 10 मिनट बाद आ जाना बस। आप इसकी बनाया क्यों इतना अच्छा अभी हमने बनाया है यार। पराठा तो मैं ही बनाऊंगी आज मम्मा। चल बना जल्दी, मैं देख रही हूँ। मैं अभी तो फ्रेंच टोस्ट बनाने लगी, देख रही हूँ तुम बनाओ जल्दी। अच्छा तो अब हम बनाने लगे हैं जी फ्रेंच टोस्ट। गिरी जा रही है मेरी निगाह, निकल मेरे किचन से, मम्मा रुक तो जा यार, मैं इतनी अच्छी डिशेस ले जा वापस, मुझे नहीं इसका बनाई हुई डिशेस डस्टबिन में फेंकनी पड़ेंगी मुझे। फातिमा नहीं मैं अच्छी बनाऊंगी, ट्रस्ट नहीं देखना पड़ा क्यों करा मैं अंधा हूं। मैं अच्छी बनाऊंगी मां, मुझ पे एक दफा आज ट्रस्ट करके देख लिया, अगली दफा ना करना चाहे। क्या हो जा रहा है जल्दी। सो गाइस ये हमारे इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं, हम डालेंगे एक अंडा, थोड़ी सी क्रीम, थोड़ा सा दूध और अंदर चीनी, और ये प्लेट में मिक्सचर बनाते हैं। ये किसने खाना? मम्मा जी हीरा पे नहीं खाता, उसने फ्रेंच टोस्ट खाना है, फातिमा ने मैश पोटैटो खाना है, मैंने यार रोटी खानी है। सो गाइस हमने सारा सामान जो डाल दिया, अब इसको करते हैं मिक्स। तो ये आ गया है जी गाइस देसी घी, तो हम डाल देते हैं देसी घी, और ये हमने इसको ऊपर डाला और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार मुझसे ये बनाते बनाते सेंटर से फट गए हैं, मुझे ये समझ आई जब मैं पराठा बनाऊंगी तो तब क्या हाल होगा मेरा। सो गाइस हमारे फाइनली फ्रेंच टोस्ट रेडी हो चुके हैं। सो गाइस हमें जैन ने भी ज्वाइन कर लिया, जैन देख रही हो मैंने कितनी अच्छी अच्छी डिशेस बना ली हैं। क्या बनाना है? अब हम लोग बनाने लगे हैं परोंठा। बनाना आती है रोटी? आती है बनानी? ठीक है एक तुम बनाओगे एक मैं बनाऊंगी, देखते हैं कौन अच्छी बनाता है। हम निकालेंगे आटा और हम बनाएंगे बलों वाला पराठा। ये मेरी डिशेज लिखी है मैंने, ये बनानी है मैंने।
सही नहीं है ब्रदर, इट्स सैरी। तो कोई बात नहीं, सैरी का एहतमाम तो हमें वैसे ही करना चाहिए ना। अब हम फ्रिज से निकालते हैं आटा और बनाते हैं रोटी। जैनब तुम शुरू हो गई हो, पहले मैंने एक पा रही थी ना, मैं कर रही हूँ इधर आके ना। जैनब मम्मी बन गई है ना, तुमसे तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा पराठा। और अपने हाथ धोया तुमने जी? तो गाइस हम पराठा बना सकते हैं ना, बलों वाला बनाना पता भी है वो कैसे बनाते हैं। इसको पहले रोल करो, लंबा रोल करो इसका। सबर नहीं होता तुमसे, बड़ी बहन मैं हूँ या तुम? आता ही नहीं बड़ी बहन मैं या तुम? मेरा हक है ना सारी चीजों पे। दोनों ने सोचा था ना बनाएंगे, तो आज का दिन तो मेरा है। लेकिन मैं कह रही हूँ दोनों ने सोचा ना बनाएंगे, एक पराठा तुम एक पराठा, जिसका अच्छा हुआ वो। तो ऐसे नहीं ना, पहले एक बना के देखेंगे फिर दूसरा बनाएंगे, वरना वेस्ट हो जाएगा। तो ठीक है एक मैं बनाती हूँ एक तुम बनाओ, मेरा ज्यादा अपने लिए। वो तो ले आओ जैन भी, मेरे कैमरे को क्या हो गया? मेरे कैमरे पे सारा आटा लग गया गाइस, इसको साफ करना पड़ेगा। जैन अब इसके अंदर डालो देसी घी और इसको पहले रोल करके, रोल करके यूं करो। देसी घी पीछे से लेकर आ, चल सारे काम तेरे का, मैं अब सारे काम मैं ही करूँ। मैं भी इसको थोड़ा करती हूँ। क्या है तुम करती हो यार, ना करो। डालो ऊपर डालो। मम्मा ऐसे डालती है। हाँ ऐसे रुक जाओ, बस इसको रोल कर दो। नहीं करो, ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं जैनब की बड़ी बहन, जैनब मेरी बड़ी बहन है। हाँ ऐसे यही मतलब बना। एक दफा मैं भी इसको करूंगी, हट जाओ। इतनी मुश्किल से मैं, तुम नया पराठा बनाओ अपना। नया नहीं, एक पहले बनाएंगे। वैसे कितने हमारे पास 10 पराठे बनाने हैं, कितने बनाने हैं घर वाले साथ? 6 पराठे हमने टोटल बनाए। इसके ऊपर अब करो गाइस। जैनब का रोटी ऐसे लग रही है कि शायद पाकिस्तान का ना मैप बना है। जैनब इधर दिखाना, ये तुम्हारी गोल रोटी तो कहीं से नहीं मुझे लग रही है। मैंने पैन रख दी है, अब जल्दी से करो ऊपर डालो। चलो 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 चलो, वेरी गुड यार। जैनब ने तो सच में रोटी बना ली है। डालो 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 डालो, थप्पड़ मारो। ओए खराब कर। अरे भाई इस तरह वाले थप्पड़ जो मम्मा मारती है। हाँ चलो जैनब डाल दो ऊपर, बिस्मिल्लाह करो। यार बन गया, सही बनाया। बस ये थोड़ा सा ओए बॉक्स ही बना। वाह मैं बॉक्स वाला ही बनाती हूं। माशाल्लाह बॉक्स वाला ज्यादा मजे का बनता है, और ये बलों वाला भी, और बहुत अच्छा बनाया जैनब ने। गुड गर्ल गाइस, जैनब तो फुल मम्मा जैसी। जैनब तुम्हारी तो शादी करानी पड़ेगी यार। अब जैनब तो रानिया को कमेंट कर लो। ओए अभी तुम छोटी हो, जैनब तो शादी के काबिल हो गया गाइस। उसको पराठा बनाना आ गया। वाइफ हर अप राइट नाउ। ये नहीं आगे से कह रही कि नहीं शादी नहीं करनी, आगे से कह रही है वाह है ना, ये बुरी बात है। बोलो नहीं अभी नहीं, अभी छोटी हो आप। तुम साइको हो, मैं सच में करूंगी यार। मेरी कल शादी है, सब इनवाइटेड है। मेरी भी कल शादी है, सब इनवाइटेड। चलो खैर पराठा बन चुका है जैनब का मजे का, अब बनाऊंगी मैं पराठा, दूसरा पराठा मैं बनाऊंगी, देखना कितना यम्मी। रमजान आया रोजा रखो जीप नेकी से, अब झोली में जीप छोड़ो ना बीमारी का दवा कर, तोबा करो। चुप करो, सारे घर वाले सो रहे हैं। चलो निकालो इसको, निकालो जल रहे हैं वो। गाइस जैनब को तो 10 में से 9 पॉइंट्स मिल चुके हैं, अब देखते हैं कि मुझे कितने मिलते हैं। जैनब अब मेरी बारी, अब कैमरा तुम पकड़ो, अब मैं पूरे जज्बे के साथ बनाऊंगी इंशाल्लाह। अब बारी है मेरी बनाने की। ठीक है सबसे पहले हमने किया पेड़ा, जो कहते हैं पेड़ा। मैं देखा तुमसे भी अच्छी गोल रोटी बनाऊंगी, रोटी तो होती तो ऐसे अच्छी गोल ही हो। मैंने बॉक्स में बनाई है, हैव एनी प्रॉब्लम? कुछ लोग बॉक्स में भी बनाते हैं, जरूरी नहीं हर कोई गोल में बनाता हूँ। सो गाइस हमने अंदर घी लगा लिया क्योंकि हम देसी घी यूज करें, इसको हमने लंबा। राबे तुमने कुछ ज्यादा ही लंबा, पागल हो गई हो बेटा जी? मैं सही बता रहा हूं। तुम क्ले के साथ नहीं खेल रही हो, ये पराठा बना रही हो। हाथ तो धोए थे ना? ऑफ कोर्स जैनब, ये देखो बल्ब भी आए हैं। कल मिलो एक कुकड़ी मिली जिले के लाते में जुटोए माए माए। सो गाइस अब टाइम आ गया ऊपर हमारा डालने का, तो ये देखे कितना परफेक्ट बनाया है, और मुझे लग रहा है कि मैं भी अब शादी मटेरियल वाली लड़की बन चुकी हूँ गाइस। बिस्मिल्लाह कुछ ज्यादा ही बलो वाला अच्छा बनाया। ओ वाह मेरा तो गोल भी है, मेरा तो गोल पराठा है। तो गाइस मेरा भी, ओ यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देख तो सही। ये मैंने बनाया मम्मा, देखें ये मैंने बनाया है। मैंने आने पे मजबूर होगी माशाल्लाह। देखे वो वाला जी जैनब ने बनाया है बॉक्स वाला, मैंने फुल गोल बनाया। थोड़ा सा बस ये चांद आ गया अंदर, बट स्टिल बाकी पराठे बनाती है। सो लेट्स गो, अब जिम्मेदार राबिया शादी मटेरियल हो गए आप ही की तरह। यार आप ही को तो शादी से पहले पराठे सिखाए ही नहीं, आप ही को अभी भी बड़े नॉर्मल आते हैं। आप ही को ये ब्लॉग देखना चाहिए, आप ही देख लो, सीखो भी देखो और सीखो कुछ छोटी बहनों से। सो गाइस लास्ट हमारी रह गई थी ड्रिंक, ठीक है? तो पीने में हम लोगों ने, मैंने दूध के अंदर डालियां खजूरें, और ये है कुछ ड्राई फ्रूट। ये इतनी अच्छी बनती है, इससे ना तो आपको भूख लगती है, और अगर आप लोग को होता है ना रोजे रखकर आपको वीकनेस हो रही है, तो इससे आपको बिल्कुल नहीं होती है। तो ये हमने अंदर डाल दिया, ये हमारा तैयार हो रहा है। यार अब मुझे पता चला है कि कुकिंग कितना मुश्किल काम है। खैर आज सब कुछ अच्छा हुआ, मैंने परफेक्ट बनाया। मैं आपको हर चीज एक एक करके दिखाती हूँ, मैंने डिजाइन भी बड़ी अच्छी की है, सब दिखाती हूँ आप लोगों को। उन्होंने मानना ही नहीं है, राबिया ने किया। अब लोगों को दिखाने का टाइम आ गया। सो ये है मैश पोटैटो, इनको मैंने धनिया लगाकर थोड़ा डेकोर वगैरह कर दिया है, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं।
सो ये हमारा वही डिज़र्ट जो मैंने बनाया था। ये मैंने रखा है जी ब्रेड साथ न्यूटेला जैम एंड चीज़, ठीक है। ये हमारे जो है फ्रेंच टोस्ट। ये मम्मा ने जो है ना कल सब्जी बनाई थी आलू गाजर मटर की, ये वाला कह रही चलो मम्मा को जाता है, एक रेसिपी मम्मा की है। और ये मैंने रखे हैं कुछ फ्रूट्स, और बाकी ये हमने रखे हैं सम जूसेस। ये हमारी चाय बन गई है, ये हमारे ऑलिव्स आ गए हैं, और ये जो मैंने स्पेशल ड्रिंक बनाई है वो है, और ये हमारे पराठे हैं, और ये जो है हमारी ओवरऑल जो है ना राबिया ने आज ये टेबल से जाइए मम्मा खुश हैं आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे, बस नजर ना लगे, ये ही काम करती रहे इंशाल्लाह। ये हमारी पूरी टेबल सज गई है, ठीक है। अब हमारा टाइम भी हो गया, सबको बुलाते हैं। एक बात बता दो, ये तुम्हें ड्रिंक बनाना किसने सिखाया? ये गाइस मम्मा मुझे बनाकर देती है, और बड़ी मजे की हेल्दी होने के लिए बना के देती है, तो इसलिए मैंने इसीलिए बनाई है। मम्मा आप ही से सीखे सब कुछ, मैंने काम करती रहे, बच्चे कुछ तो सीखते हैं। ये सारा हमारा बन गया, अब देखते हैं कि हमारी बहनें कैसे शॉक्ड होती हैं। हाँ ये लोग ऑलरेडी ने सोई पड़ी हैं सारी, तो पहले जाते हैं जैनब को उठा कर लाते हैं, फिर बाकी ऊपर उनको उठा कर लाते हैं। ये देखना जरा, जैनब और फातिमा दोनों सो गई हैं, ये लड़की पराठा बना के सो गई। जब मानो जैनब उठ जाओ यार, सहरी नहीं करनी, उठो, अब उठ नहीं रही हो। ये फातिमा मोटी को भी उठाना पड़ेगा, फातिमा उठ जाओ यार, इतने मजे की सहरी मैंने बनाई है यार, टाइम जा रहा है, उठ जाओ फातिमा, उठ जाओ यार, एक सेकंड फातिमा उठो यार, कोई उठ ही नहीं रहा है, जैनब उठो, सहरी नहीं करनी, रोजा नहीं रखना तुम लोगों ने, नींद में ये लोग गई हुई है। उठो फातिमा, उठो जैनब, मैं वापस आऊँ तो दोनों उठी हो। मम्मा मैं ऊपर हिरापी को उठाने जा रही हूँ, पीछे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको उठाएं, रुके मैं देख रहा हूँ कैसे उठाती है, इनको उठाएं जरा, उसे लेके मैं इनको ले आती हूँ, तू जा लेके आ। ये लो जो हिरापी भी इधर माशाल्लाह से सो रही है, हिरापी सहरी का टाइम हो रहा है, उठो सहरी का टाइम हो रहा है, उठो शाबाश जल्दी से, मैंने इतने मजे की आपके लिए सहरी बनाई है, उठ जाओ, उठ जाओ शाबाश, दो मिनट में नीचे आ जाओ। हिरापी अच्छी बच्ची है, हंसते हंसते उठती है। मम्मा ये लोग उठी है, हिरापी देखे फौरन उठ गई है, 3 मिनट रह गए जैनब, उठ, 3 मिनट इनके तो मैं कंबल उठाती हूँ, उठो मजा आ गया, उठ जल्दी, उठो उठी है कि नहीं, गुड गर्ल, इसको उठाए मम्मा, उठो चलो चलो जल्दी आ जाओ, मैं आज सहरी हलाल होने दूंगी पूरी पूरी, चलो हाँ चलो जल्दी आ जाओ। और ये फातिमा मैडम आ चुकी है, फातिमा देख रही हो कितना कुछ है आज सहरी में, फुल लजीज मात लगे हुए आज, ये देखो मैंने क्या क्या कुछ नहीं बना लिया, बुट बैठो जैनब अभी तक नहीं आई है, और हिरापी भी आ गई है, सहरी चेक करो मैंने क्या क्या बनाई है बच्चे, क्या ये डिजर्ट बनाया मैंने, ओरियो डिजर्ट बहुत मजे का है, और ये देखो मैश पोटैटो बनाया मैंने, आपके फेवरेट है ना, और फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं, ये है सब कुछ है, ये देख जरा मोटी जैनब भी आ गई है, इनको पराठा चेक करा, ये लो ये पराठा का पापड़ पी लगे यार, मैंने इतना प्यारा बनाया है, मम्मा वाला नहीं इनको खिला दी, मैं अपना वाला खिला रही हूँ, अच्छा है ना, तो गाय सारे जो है ना फुल सुस्त होकर खाने लगे, मम्मा दूसरे पराठों की जो है ना वो फातिमा के लिए स्पेशल जो है ना वो चूरा बना के लाएंगी, चूरा मैं भी खा लेती हूँ, चूरी फातिमा के अंदर ना एक तोता रहता है जो चूरी खाता है, फातिमा मिनी तोता, बूढ़ा तोता, चलाक तोता, मम्मा बैठ जाओ आप भी खाना शुरू करो, गाइस इतना यम्मी है ना, सो गाइस यहाँ पे सब कुछ खाया पिया गया है, और यहाँ पे लड़कियाँ जो है दुआ वगैरह कर रही हैं, अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ फिनिश किया है मेरे बच्चे अच्छे, हाँ जी मुझे बताओ गाइस मेरी जो सहरी है मेरे हाथ की कैसी लगी तुम लोगों को, बहुत अच्छी थी, बहुत मजे की थी, ये तो मैंने बनाए थे, और ये कुछ ज्यादा ही मजे के थे, मुझे था कि मजे के नहीं होंगे, बट बहुत मजे के थे, और मामा की चूरी एज यूजुअल बहुत अच्छी थी, पानी जो था वो सबसे मजे का, वाह वाह वाह, मुझे रवे का पराठा लगा, मैंने पूरा खाया, हाय हाय मम्मा का ये रियल, मुझे सबसे अच्छा तुम्हारा फ्रेंच टोस्ट लगा, वाह थैंक यू हिरापी, थैंक यू। खैर अब 5 मिनट रह गए खत्म होने में, सहरी सारे दुआ लो, जैनब तुम्हें क्या, सॉरी जैनब सॉरी, मैं देख रही थी अभी मुझ पे कैमरा लगी, हाँ मुंह खोलने लगी तो अपने मुंह पे कैमरा, सॉरी क्या अच्छा लगा तुम्हें बताओ, तुम्हारा पराठा ही मैंने खाया, तुम्हारे ब्रेड से फिर पड़ी है, खैर अब 5 मिनट रह गए, ये राबिया का ही कमाल है कि तुम लोग इतनी डिशे खिलाई, मेरे पास होती थी एक ही डिश मिली, हमारे कहते चूरी खाओ तो चलो सो जाके, पराठा या चूरी बस कुछ देती मैं, गद्दीन नवई तो गद्दीन नवई तो शहरी रमजान मिन शहरी रमजान, सो गाइस होप सो कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, और जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अल्लाह आप सबके रोजे कबूल फरमाए, एंड सब अच्छे अच्छे रोजे रखो, बाय बाय।